टाइम टू डिस्कवर हैदराबाद और हैदराबाद की मेरी टू डू लिस्ट बिल्कुल तैयार है। चलिए टाइम टू डिस्कवर हैदराबाद। हैदराबाद शहर के सफर में अक्षता और मैं पहुंच गए हैं गोलकोंडा फोर्ट। कंप्लीटेड इन द 16th सेंचुरी, गोलकोंडा वॉज द मार्केट सिटी ऑफ द डायमंड ट्रेड इन इंडिया। और हमारे अगले हीरे यानी लुक्मी की खोज जारी रखते हुए हम आए हैं होटल नायाब। नायाब के बारे में बहुत लोगों ने बोला था और उससे बेहतर खाना मिला, खाना अच्छा लगा। लुक्मी मुझे सीरियसली अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्ट है। कुमार साहब थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर जो है आपने बुलाया नायाब पे और नाश्ता करने का मौका दिया। और इस बार नाश्ता करने में अकेला नहीं आया हूँ, इस बार अक्षता साथ में आई है। एक बार इनके लिए जरा नायाब की कहानी सुना दीजिए, आपके वालिद साहब ने कैसे शुरू किया, कहाँ शुरू किया? नायाब जो है सो एक ऑलमोस्ट 32 इयर्स पुरानी होटल है हैदराबाद की। जो ऑथेंटिक जो बिरयानी होती है हम वो खिलाते हैं लोगों को, जो ऑथेंटिक हलीम होती है वो खिलाते हैं हम लोग। अच्छा लुक्मी जो है इसके बारे में बताइए। पहले लुक्मी का साइज बिल्कुल छोटा आता था। हाँ। आप अगर देखें हिस्ट्री में लुक्मी का मतलब ही वही है कि एक निवाला। तो लोग क्या है नाश्ते के तौर पे लुक्मी खाते हैं हमारे। हाँ। तो वो हिसाब से थोड़ा सा उसको भी बड़ा होता गया, लुक्मी का साइज भी बड़ा होता है। खाइए मैदा गूंद के उसको इवनली रोल और स्टफ करते हैं और उसके बाद करते हैं डीप फ्राई इस बढ़िया मीट समोसे के लिए। I can imagine it to be really filling and nice and in the morning you just want to feel nice and full before you start your day. So yeah. कबाब हैदराबाद में आए मुगलिया रास्ते से, उसके बाद द टर्किश इन्फ्लुएंस रिफाइंड दोस कबाब्स और जो तुर्को अफगान इन्फ्लुएंस है उसने इन कबाब्स को एक स्ट्रक्चर दिया, एक बॉडी दी। तब अगर हम वहां होते तो बहुत कुछ सीखने को मिलता, बहुत कुछ देखने को मिलता, लेकिन जो उसका एंड प्रोडक्ट है कबाब वो तो देख सकते हैं। और वो देखने हम जाएंगे शादाब, हैदराबाद का एक पुराना रेस्टोरेंट जो अमेजिंग कबाब और सुपर अमेजिंग बिरयानी सर्व करता है। लेट्स गो हिट दिस पार्ट। कैसे हैं आप? मजे। ये अक्षता है, ये फोटोग्राफर है। तो मैंने इनको बोला कि अगर आपको हैदराबाद आके नए किस्म का अच्छे किस्म का शिकमपुरी खाना है तो आपको शादाब आना पड़ेगा। और पिछली बार जब मैं आया था तो आदिल भाई ने बहुत बढ़िया सी बिरयानी खिलाई थी, तो बिरयानी तो जरूर खाएंगे और साथ में शिकमपुरी। मतलब इसके बाद ऐसा होना चाहिए कि सीधा जो है टेबल पे सो जाए। शादाब का शिकमपुरी बनता है पके हुए कीमे से, उसमें डाले जाते हैं खूबसूरत जायकेदार मसाले, बेसन और हल्का सा अंडा, और ये सब फोल्ड करके बन जाता है एक लाजवाब कबाब। क्या बात है यार, कम्स द बिरयानी एंड द रुमाली। लेट्स स्टार्ट विद द कबाब फर्स्ट, कबाब से शुरुआत करते हैं। क्या बात, यू नो द ब्यूटी ऑफ हैदराबाद इज दैट जो खड़े मसालों का इस्तेमाल है, साबुत मसालों का इस्तेमाल है, जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल है, वो एक रोबस्टनेस देते हैं इस डिश को। और लखनऊ और हैदराबाद में एसेंशियल डिफरेंस यही है कि लखनऊ में एक रिफाइनमेंट है और हैदराबाद में एक रोबस्टनेस है खाने में। शिकमपुरी, यू नो द वर्ड, इट कम्स फ्रॉम शिकम मीन्स पेट एंड पुरी मीन्स भरा हुआ। सो ऐसा कबाब जिसका पेट भरा हुआ, यानी कि कबाब दैट इज स्टफ फ्रॉम इनसाइड। So essentially a shikampuri is a shammi that is stuffed from inside. Lucknow kebab se alag hai, but I like it. They're pretty good. Yeah. हैदराबाद की शाम का नूर और बढ़ जाता है जब आप रोशनी और रंगों से भरे लाड बाजार का अनुभव करते हैं। बिरयानी खा लिया, कबाब भी खा लिए, अब शेफ कुछ रॉयल मीठे की अकाउंट भी खुलवा दीजिए। देखिए पहले फोटो खींचिए, अब फोटो खींच ली, अब कहानी सुनो। बगैर कहानी के आज हम किसी को छोड़ने वाले नहीं, और आज हम आपको कहानी सुनाते हैं हलवाइयों की। हलवाई यानी वो इंसान जो हलवा बनाता है, और हलवा आप जानते हैं हिंदुस्तान की इजाद नहीं है, हलवा इजाद है पर्शिया और तुर्की की, और वहां से हलवा चलता हुआ हिंदुस्तान में आया और इजाद हुई हलवाई शब्द की।
हैदराबाद की टर्किश बेकरीज में एक हिंदुस्तानियत है, एक सौंधापन है, एक खुशबू है। और ऐसी ही एक पुरानी शाही बेकरी की सैर करने हम जा रहे हैं, इसका नाम है हमीदी बेकरी। कुछ खाना खाने और कुछ कहानियां सुनने। हमारे हैदराबाद में ज्यादातर बहुत फेमस है जोजी हलवा, उसमें सैफ्रन वो सब रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट आई हैंग आउट हियर, रोज जोजी हलवा विद माय फ्रेंड्स। यही है हमारी हैदराबाद की आखिरी मंजिल, हमीदी कन्फेक्शनरी। चल 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 चल। शक में सलाम। सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बस इनको हमने सारा हैदराबाद घुमाया और हमने कहा हैदराबाद घूम के और शाम को आपको हमीदी लेके जाएंगे, पूरी कहानी सुनाई हमीदी की, हमीदी के हलवे की, जौजी हलवे की। और अब जो है इंतजार नहीं हो रहा, पहले कुछ खाते हैं और फिर ढेर सारी बातें करते हैं। जरूर जरूर ला जौजी ला लूंगा। देखिए मैडम, ये है जौजी हलवा जो यहाँ का मशहूर हलवा, ये सिर्फ नहीं पाया जाता दुनिया में, किसी से में पाया नहीं जाता है। This is worth the wait. All day I've been waiting for this. और ये है मालपुरी। ये तकरीबन ये सिर्फ और सिर्फ हमीदी में 100 साल से बनती है ये। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो नवाब होते थे, यहाँ के जो बादशाह प्रिंस होते थे और यहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते थे उन्हीं के बाद पिलाई जाती थी ये। This is so lovely. I can't get over it. It's delicious. बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पे सब कुछ इतना नरम और मुंह में घुल रहा है कि ये नहीं पता चल रहा कि बाहर की जो परत है वो कब खत्म हो रही है और अंदर का जो माल है वो कब चखने में आ रहा है। बहुत मेरी तरफ से इसको 100 में 100। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा।